नंबर एक, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, बाघ कैसा जानवर है? इसका उत्तर है, बाघ चुस्त फुर्तीला और बलशाली जानवर है। प्रश्न संख्या ख है, जंगल के कुछ बलशाली जानवरों के नाम बताओ। इसका उत्तर है, शेर, चीता, भालू, हाथी इत्यादि। प्रश्न संख्या ग, बाघ के परिवार में शिकार कौन करता है? बाघ के परिवार में शिकार बाघिन करती है। प्रश्न संख्या घ, आज बाघ पर क्या संकट मंडराता जा रहा है? इसका उत्तर है, आज बाघों की संख्या तेजी से घटती जा रही है। आदमी छल बल से उन्हें मार देता है। हमें बाघों के संरक्षण के लिए मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए, अन्यथा हमारे भारत की शान कहलाने वाले बाघ समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या अंग है, हाथी कैसा जानवर है? तो हाथी बुद्धिमान, शांतिप्रिय और बलशाली जानवर है। हाथी बुद्धिमान, शांतिप्रिय और बलशाली जानवर है। प्रश्न संख्या च, बाघ और हाथी में प्रमुख अंतर क्या है? इसका उत्तर है, बाघ की पहचान इसकी काली धारियां हैं। बाघ अपने परिवार से बेहद प्यार करता है। बाघ का मुकाबला शायद ही कोई और जानवर कर पाए। यह बहुत ही चुस्त फुर्तीला और बलशाली जानवर है। जबकि हाथी एक पारिवारिक ही नहीं बल्कि सामाजिक जीव भी है। हाथी बुद्धिमान और शांतिप्रिय जानवर भी है। इसे महावत आसानी से अपने काबू में लाता है और मनचाहे काम करवा सकता है, करा लेता है, मनचाहे काम करा लेता है। इसकी तुलना में बाघ एक खूंखार जानवर है। इसके बाद प्रश्न संख्या छ, हाथी की उम्र कितनी होती है? हाथी की उम्र 150 से 200 वर्ष तक माना जाता है। हाथी की उम्र आमतौर पर 150 वर्ष से 200 वर्ष तक माना जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या दो, सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, बाघ के शरीर पर काली धारियां होती हैं, ये सही है। प्रश्न संख्या ख, बाघ को अपनी पीठ पर बच्चों को बैठा लेना और सवारी करना पसंद है, गलत। प्रश्न संख्या ग, हाथी झुंड में रहने वाला प्राणी है, ये सही उत्तर है। प्रश्न संख्या घ, 26 जनवरी की परेड में बाघ जरूर आते हैं, ये गलत है। प्रश्न संख्या अंग, हाथी की मस्ती भरी चाल दर्शकों को मुग्ध करती है, सही है। उसके बाद प्रश्न संख्या तीन, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर एक, बाघ में कौन सा गुण नहीं पाया जाता? इसका उत्तर होगा ग, दयालु। दयालु पे सही निशान लगाना है। नंबर दो में है, हाथी किसके काबू में आसानी से आ जाता है? इसका उत्तर होगा ख, महावत। नंबर तीन, हाथी की उम्र होती है? इसका उत्तर है 150 से 200 वर्ष, ये सही है। ख, तीसरा का ख, 150 से 200 वर्ष। उसके बाद नीचे देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को उचित सर्वनाम शब्द से पूरा कीजिए। खाली स्थान अपनी अपनी जगह से जंगल की सुंदरता और रोमांच को बढ़ाते हैं। ये अपनी अपनी तरह से जंगल की सुंदरता और रोमांच को बढ़ाते हैं। ख, खाली स्थान तो उसकी एक गर्जना से ही थर्रा जाते हैं। वे तो उसकी एक गर्जना से ही थर्रा जाते हैं। ग, खाली स्थान मस्ती भरी चाल दर्शकों को मुग्ध करती है। इसकी मस्ती भरी चाल दर्शकों को मुग्ध करती है। घ, पानी में नहाना खाली स्थान बेहद पसंद है। पानी में नहाना इसे बेहद पसंद है। अंग, आज खाली स्थान संकट में है। आज वे संकट में है। निम्नलिखित शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में लिखिए।
निम्नलिखित शब्दों को स्त्रीलिंग में लिखिए। नंबर एक बाघ, बाघ का बाघिन। नंबर दो घोड़ा, घोड़ा का घोड़ी। नंबर तीन हाथी, हाथी का हथनी। नंबर चार दादा, दादा का दादी। नंबर पाँच शेर, शेर का शेरनी। नंबर छः बकरा, बकरा का बकरी। नंबर सात मोर, मोर का मोरनी। और नंबर आठ है लड़का, लड़का का लड़की। आइए इसको लिखित रूप में देख लेते हैं एक बार इस उत्तर को। पहला का उत्तर है क, बाघ चुस्त फुर्तीला और बलशाली जानवर है। उसके बाद ख, शेर चीता भालू हाथी इत्यादि। व, बाघिन बाघ के परिवार में शिकार करती है। घ, आज बाघों की संख्या तेजी से घटती जा रही है, आदमी छल बल से उन्हें मार देता है। हमें बाघों के संरक्षण के लिए मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए, अन्यथा हमारे भारत की शान कहलाने वाले बाघ समाप्त हो जाएंगे। अंग, हाथी बुद्धिमान शांति प्रिय और बलशाली जानवर है। च, बाघ की पहचान इसकी काली धारियां हैं। बाघ अपने परिवार से बेहद प्यार करता है। बाघ का मुकाबला शायद ही कोई और जानवर कर पाए। यह बहुत ही चुस्त फुर्तीला और बलशाली जानवर है, जबकि हाथी एक पारिवारिक ही नहीं बल्कि सामाजिक जीव भी है। हाथी बुद्धिमान और शांति प्रिय जानवर भी है। इसे महावत आसानी से अपने काबू में लाता है और मन चाहे काम भी करा लेता है। इसकी तुलना में बाघ एक खूंखार जानवर है। इसके बाद छ का उत्तर है, आमतौर पर हाथी की उम्र 150 से 200 वर्ष तक माना जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या दो है, दो का ख का सही होगा, ख का गलत होगा, ग का सही होगा, ख का गलत होगा, अंग का सही होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या तीन है, पहला का ग होगा, दूसरा का ख होगा और तीसरा का ख होगा। जैसे मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया है उसको आप लोग पूरा कर लेंगे। पहले मैंने जो प्रश्न का उत्तर बताया है उसी का ये लिखित रूप है, आप इसे देख के आसानी के साथ आप लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या छः है, दिए गए शब्दों के अनुपयुक्त पर्यायवाची पर सही का चिन्ह निशान लगाइए। दिए गए शब्दों के अनुपयुक्त पर्यायवाची पर सही का निशान लगाइए। शेर, शेर को सिंह कहा जाता है, वनराज भी कहा जाता है, तो इसमें कौन सा नहीं होगा इस पे आप लोग निशान लगाइएगा, ये आपका होमवर्क है। जंगल, जंगल को वन कहा जाता है, अरण्य कहा जाता है, और कौन सा इसमें जंगल को नहीं कहा जाता है, कौन सा पर्यायवाची इसका नहीं है उस पे निशान लगाना है। नंबर तीन में है बुद्धिमान, होशियार को बुद्धिमान कहा जाता है। इसके बाद ताकतवर है, सयाना है, निपुण है, इसमें से आपको इसका पर्यायवाची जो नहीं है उस पर सही का निशान लगाना है। तो ये तीन आप लोगों को होमवर्क में दिया जा रहा है, आप लोग इसे अवश्य ही कर लेंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इसका प्रश्न उत्तर अवश्य लिख लेंगे। पाठ छः बाघ और हाथी का प्रश्न उत्तर इस प्रकार मैं आप लोगों को करा दिया हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पाठ सात, जिसमें पुष्प की अभिलाषा पढ़ना है, तो आइए इसको देखते हैं इसी वीडियो के माध्यम से। पाठ परिचय है, एक भारतीय आत्मा के विरुद्ध से विभूषित श्री माखनलाल चतुर्वेदी की यह कविता छोटी होने के बावजूद देशभक्ति की गंभीर भावना से ओतप्रोत तथा प्रसिद्ध है। इसकी लोकप्रियता इतनी है कि देशभक्ति की चर्चा जहाँ कहीं भी होती है, शहादत को आदर देने के लिए इनकी अंतिम पंक्तियों को उद्धृत किया जाता है। यह कविता अवश्य स्मरणीय है, तो आइए इसको देखते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शौक पर हे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शौक पर हे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। श्री माखनलाल चतुर्वेदी की ये बहुत ही सुंदर रचना है,
जिसे आप लोग अवश्य ही एक बार पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका अर्थ समझाऊंगा और इसका प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक धन्यवाद।